नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैतन है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं आप लोगों के लिए टेक की वीडियो बना के एवरीडे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडो 10 के अंदर विंडो फायरवॉल को कैसा ऑफ करते हैं, कैसा ऑन करते हैं। इसके लिए आपको जाना है बेसिकली विंडो 10 के कंट्रोल पैनल में। तो आप यहाँ पे सर्च करके आप कंट्रोल पैनल में चला जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे विंडो फायरवॉल आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके कंट्रोल पैनल में विंडो फायरवॉल नहीं आ रहा और कंट्रोल पैनल इस तरह से आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्मॉल एल आर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको विंडो फायरवॉल दिख जाएगा, फिर आप विंडो फायरवॉल पे क्लिक कीजिएगा। टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ऑफ करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके दोनों पे इसको ओके कर दीजिएगा। बाय चांस अगर ऑन करना हो तो सेम प्रोसेस है, यहीं पे क्लिक कीजिएगा, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। इस तरह से आप विंडो 10 के अंदर अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में फायरवॉल को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो मैं से कमेंट पे पूछेगा, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बट जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।